हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वी एंड साइंस आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ साइंस लेसन नंबर टू हेल्थ एंड डिसीजेज कैन यू रिकॉल देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है हैव यू एवर टेकन द लीव फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सिकनेस इसका मतलब है सिकनेस या बीमारी के कारण क्या आपने कभी अपने स्कूल से छुट्टी ली है वॉट हैपन एग्जैक्टली वेन वी बिकम सिख सिक का मतलब है जब हम बीमार हो जाते हैं तब एग्जैक्टली क्या होता है सम टाइम्स वी फील गुड इवन विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन एंड समाइम्स वी नीड टू कंसल्ट डॉक्टर एंड टेक रेगुलर मेडिसिन इन सिकनेस वाई इज इट सो इसका मतलब है कि कई बार हम बीमार होते हैं तो हम खुद से ही ठीक हो जाते हैं हमें कुछ मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती है और कभी कभी हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है और मेडिसिन लेना होता है तब हम ठीक होते हैं ऐसा क्यों होता है हेल्थ अब हम देखते हैं कि हेल्थ क्या होता है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बिंगनेस एंड नॉट मैरली द एबसेंस ऑफ एनी डिजीज इसका मतलब है हेल्थ का मतलब होता है कि कंप्लीटली फिजिकली मेंटली एंड सोशली हम अच्छा फील करें और अगर हमें कोई भी डिजीज नहीं हो तो हम कहेंगे कि यस वी आर हेल्दी एंड आर हेल्थ इज गुड इट मीन्स हेल्दी पर्सन में कोई भी डिजीज नहीं होती है वॉट इज डिशीज अब हम देखते हैं कि डिशीज क्या होता है कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिज ईच हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स इसका मतलब ये हुआ कि डिसीज वो कंडीशन है जिसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है किसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस में मतलब बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस भी होती है और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस भी होती हैं उनमें जब डिस्टरबेंस आ जाता है तो उसे हम कहते हैं डिसीज फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं जो बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं तो उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का मतलब है ये हमारे माइंड और हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है उसके साथ में ही जितने भी डिसीजेस होते हैं उनका एक अपना स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है इट मीन्स जब भी अलग अलग बीमारियां होती हैं तो वो अलग अलग तरीके के सिम्टम्स शो करती हैं टाइप्स ऑफ डिसीजेस अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के डिसीजेस होते हैं यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ वेरियस डिजेज लाइक डायबिटीज कॉमन कोल्ड अस्थमा डाउन सिंड्रोम हार्ट डिजीज एक्सेट्रा रीजन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल दीज डिजेस आर डिफरेंट टू ब्रिंक कोआर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिस डिजेज आर क्लासीफाइड एज फॉलोज आपने कई टाइप के डिसीजेस के नाम सुने होंगे जैसे डायबिटीज कॉमन कोल्ड अस्थमा डाउन सिंड्रोम हार्ट डिसीजेस तो ये जितने भी डिसीजेज होते हैं उनका रीजन जो होता है होने का वो अलग अलग होता है और ये सारे डिसीजेज का सिम्टम भी अलग अलग होता है तो अब हम इन सारे डिसीजेज की साइंटिफिक स्टडी करने वाले हैं और इन सारे डिसीजेज को क्लासीफाइड करने वाले हैं अब हम ये टेबल देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजेस तो डिसीजेस को मेजरली हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू रीजन्स अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन का मतलब है कि टाइम वो कौन से समय में होता है कितने समय तक होता है उसे हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन और सेकेंड है अकॉर्डिंग टू रीजन मतलब उस पर्टिकुलर डिसीजेस का रीजन क्या है तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में जो फर्स्ट डिसीज दिया हुआ है वो है क्रॉनिक डिज तो सबसे पहले मैं आपको क्रॉनिक डिसीज़ के कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी जिससे आप इसको प्रॉपरली समझ सकते हैं कि क्रॉनिक डिसजेस किससे रिलेटेड है तो डिसीजेज लाइक कैंसर हार्ट डिसीजेज डायबिटीज ये सब क्या होते हैं क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं और इनका लॉन्ग लास्टिंग अफेक्ट होता है दैट मीन्स अगर एक बार ये डिसीज हो जाए तो काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट को सफर करना पड़ता है तो जिनका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है उन्हें हम कहते हैं क्रॉनिक डिसीज सेकेंड है अक्यूट डिज अक्यूट डिसीजेस का मतलब होता है कि जो सडन आ जाते हैं बट अगर हम उसका ट्रीटमेंट करें तो वो जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्रोकन बोन अगर किसी के बोन में फ्रैक्चर आ जाए तो वो एक सडन प्रॉब्लम है बट अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो उसको ठीक भी किया जा सकता है तो ऐसे डिसीजेस जो सडन आ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अक्यूट डिसीज अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में अकॉर्डिंग टू रीजन तो रीजन के बेसिस पे हमने इसको फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया है इसमें फर्स्ट पार्ट हमको दिया हुआ है हेरीडेटरी डिसीजेस हेरीडेटरी डिसीजेस जेनेटिक होते हैं जेनेटिक का मतलब ये पास होते हैं पेरेंट्स टू चाइल्ड में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डाउन सिंड्रोम सेकेंड टाइप हमको दिया हुआ है एक्वायर्ड डिसीजेस एक्वायर्ड डिसीजेस को फाइनली हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है इन्फेक्शनस डिसीजेस एंड नॉन इन्फेक्शनस डिसीजेस अब हम देखते हैं इन्फेक्शनस डिसीजेस क्या होते हैं जैसे कि आपको इसके नाम से क्लियर होगा ये इन्फेक्शन के कारण होता है इन्फेक्शन किसके कारण होता है इट इज कॉज्ड ड्यू टू सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया वायरस फंगी तो ये सबके इन्फेक्शन के कारण ये डिसीजेस होती हैं। इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कॉमन कोल्ड फ्लू डेंगू दैट मीन्स नॉर्मली जो वायरल फीवर है कफ एंड कोल्ड है ये सब क्या होते हैं इन्फेक्शनस डिसीजेस होते हैं वो आइदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं तो ऐसे diseases को हम कहते हैं डिसीजे सेकेंड पार्ट हमको दिया हुआ है नॉन इन्फेक्शनस डिसीजेस नॉन इन्फेक्शनस डिसीजेस किसी पर्टिकुलर पैथोजन के कारण नहीं होते हैं पैथोजन का मतलब है यूजुअली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया वायरस उन्हें हम पैथोजन कहते हैं जो एक पर्टिकुलर डिसीज कॉज करते हैं तो नॉन इन्फेक्शनस डिसीजेस किसी भी पैथोजन के कारण नहीं होते हैं और ये वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफर भी नहीं होते हैं इसका एग्जाम्पल्स हमको दिया हुआ है डायबिटीज हार्ट डिसीजे दैट मीन्स अगर किसी को डायबिटीज है या कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो नॉन इन्फेक्शनस है मतलब वो वन पर्सन पर्सन टू अनदर में इन्फेक्ट नहीं करती है इसका मतलब वो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता है तो ये तो हमने देख लिया टाइप्स ऑफ डिसीजेस देखो यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है कैन यू टेल हाउ डू द फॉलोइंग स्प्रेड तो ये डिसीजेज कैसे स्प्रेड होती हैं? हेपेटाइटिस मलेरिया स्कैबीज टीबी, डेंगू डिसेंट्री रिंग स्वाइन फ्लू तो ये जितने भी डिसीजेस दिए हुए हैं ये सब इन्फेक्शनस डिसीज़ेस हैं तो ये पर्टिकुलर किसी पैथोजन के कारण ये ट्रांसफर होती हैं तो वो पैथोजन बैक्टीरिया हो सकते हैं वायरस हो सकते हैं फंगी हो सकते हैं अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू हमको दिया हुआ है वॉट डू वी मीन बाय पैथोजन मतलब हम पैथोजन से क्या समझते हैं तो पैथोजन एक्चुअली क्या होता है अ पैथोजन इज एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग टू इट्स होस्ट होस्ट मतलब host का मतलब है वो जिसमें भी एंटर कर जाते हैं उसमें ये कॉज करते हैं थर्ड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वट डू वी मीन बाय इन्फेक्शनस डिजेस तो इन्फेक्शनस डिसीजेस क्या होते हैं दीज डिस स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरिया वायरस और अदर जम्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इसका मतलब क्या है कि इंफेक्शनस डिसीजेस जो होती है वो इंफेक्शन के थ्रू होती है जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में भी ट्रांसफर हो सकता है अब हम देखते हैं फिगर टू पॉइंट टू इन्फेक्शन थ्रू स्प्यूटम स्प्यूटम का मतलब क्या होता है लंग्स में जब कफ प्रोड्यूस होने लगता है जिसे हम कहते हैं म्यूकस मतलब थिक म्यूकस जो कफ प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं स्प्यूटम देखते हैं फिगर में क्या दिया हुआ है इन दिस एरिया स्मॉल ड्रॉपलेट्सराइज इन टू फाइन मिस्ट देखो आपको एक यहाँ पे पर्सन दिख रहा होगा जब वो कफिंग कर रहा है जब वो कफ करता है तो जो ड्रॉपलेट उसके नोज से या उसके माउथ से निकलते हैं वो एटमोस्फेयर में आ जाते हैं मिस्ट रिमेन इन द एयर फॉर सेवरल मिनट्स टू फ्यू आवर्स मिस्ट का मतलब होता है टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर तो एटमोस्फेयर में आपको पता है कि गैसेस के साथ में वाटर वेपर भी होते हैं लार्ज ड्रॉपलेट सेटल ऑन द ग्राउंड विद इन फ्यू सेकेंड मतलब जो लार्ज ड्रॉपलेट होते हैं वो ग्राउंड में सेटल डाउन हो जाते हैं और जो बहुत ही फाइन मिस्ट होते हैं छोटे ड्रॉपलेट होते हैं वो एयर में लंबे समय तक रह सकते हैं और यही रीजन है जिसके कारण ये डिसीज स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ए इन्फेक्शनस डिजेस डिस एयर वॉटर फूड और वैक्टर्स वैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड इन्फेक्शनस डिजेस इन्फेक्शनस डिजेज वो होते हैं जो किस किस सोर्स से ट्रांसफर हो सकते हैं वो दिया हुआ है कॉन्टामिनेटेड एयर दैट मीन्स इन्फेक्टेड एयर या इन्फेक्टेड वाटर इन्फेक्टेड फूड या फिर किसी वैक्टस जैसे हाउस फ्लाई है या फिर कोई और मॉस्क्यूटोज हैं उनके थ्रू अगर कोई इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है तो उन्हें हम कहते हैं इन्फेक्शनस डिसीजेस इस टेबल में हमको कुछ इन्फेक्शनस डिसीजेस दिए हुए हैं हम देखते हैं इसमें क्या क्या है तो सबसे पहले हम देखते हैं हेडिंग हेडिंग में देखो यहां पे क्या है नेम ऑफ द डिसीज तो यहाँ पे पहले कॉलम में नेम ऑफ द डिसीज है सेकेंड कॉलम में पैथोजन पैथोजन का मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण ये पर्टिकुलर डिसीज हो रही है नेक्स्ट है मोड ऑफ इन्फेक्शन मोड ऑफ इन्फेक्शन मतलब किसके कारण ये इन्फेक्शन हो रहा है नेक्स्ट है सिम्टम्स सिम्टम Symptom मतलब जब ये डिसीज हो जाती है तो पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं नेक्स्ट कॉलम है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट तो अगर ये डिसीज हो जाए तो हमें क्या क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए और क्या ट्रीटमेंट हम इसमें दे सकते हैं फर्स्ट डिसीज है ट्यूबर तो नेम ऑफ द डिसीज हो जाएगा ट्यूबर और पैथोजन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर मोड ऑफ इन्फेक्शन इसमें हो जाएगा स्पीटिंग बाय पेशेंट स्पीटिंग का मतलब होता है जो पेशेंट की थूक होती है उससे भी ये ट्रांसफर हो सकता है थ्रू एयर दैट मीन्स एयर के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है प्रो लॉन्ग कॉन्टेक्ट विथ एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ पेशेंट अगर कोई पेशेंट है प्रो लॉन्ग का मतलब है कि लंबे समय तक अगर पेशेंट के साथ कुछ थिंग्स जो है वो हम शेयर कर रहे हैं या उसके साथ कॉन्टेक्ट में है तब भी ये डिसीज हो सकता है सिम्टम क्या क्या है इसके क्रॉनिक कफ क्रॉनिक कफ का मतलब है बहुत ज्यादा कफ होगी और वो बहुत लंबे समय तक रहती है ब्लडिंग स्पिटिंग मतलब अगर थूक आ रही है या कफ आ रहा है तो उसमें ब्लड होता है इमेसिएशन इमेसिएशन का मतलब है कि पेशेंट को बहुत वीकनेस लगती है डिफिकल्ट ब्रीथिंग सांस लेने में भी तकलीफ होती है तो ये हो जाएंगे सिमटम्स ऑफ ट्यूबर अब हम देखते हैं कि ट्यूबर का प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या क्या है सबसे फर्स्ट दिया हुआ है बीसीजी वैक्सीन तो इसका वैक्सीनेशन है वो इसका फर्स्ट प्रिवेंशन है बीसीजी वैक्सीन आइसोलेशन ऑफ पेशेंट तो अगर किसी को ये डिसीज हो गया है ट्यूबरकुलोसिस तो उसको आइसोलेट कर देना चाहिए मतलब पेशेंट को अलग रखना चाहिए रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट डॉट क्या है मेडिसिन है जिसको रेगुलर बेसिस में डॉक्टर के कंसल्ट से लेना चाहिए नेक्स्ट डिसीज है हिपेटाइटिस जॉन्डिस तो ये हेपेटाइटिस और जॉन्डिस दोनों ही जो डिसीज हैं वो लीवर को अफेक्ट करते हैं इसके पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं हेपेटाइटिस वायरस ए बी सी डी ई तो ये क्या है अलग अलग टाइप के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं कई बार हेपेटाइटिस ए इन्फेक्ट करता है कई बार हेपेटाइटिस बी इन्फेक्ट करता है तो ये इसके फाइव टाइप्स हैं हेपेटाइटिस वायरस के नेक्स्ट आता है इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है ये कैसे स्प्रेड होता है कॉन्टामिनेटेड वाटर कॉन्टामिनेटेड वाटर का मतलब है गंदा पानी जो होता है उससे भी ये स्प्रेड होता है शेयरिंग ऑफ नेडल्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स तो स्पेशली जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या कहीं जब हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं या इंजेक्शनस कहीं पे यूज हो रहे हैं तो उस समय इनके ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं शेयरिंग ऑफ नेडल्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो अगर कहीं पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है ब्लड ट्रांसफर हो रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम बहुत केयरफुल होना चाहिए क्योंकि अगर हम इन्फेक्टेड निडल यूज़ कर दें नॉर्मल पेशेंट के लिए तो उससे भी नॉर्मल पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है अब देखते हैं कि हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया का मतलब होता है ए ऑफ बींग फैट मतलब ऐसे ख्याल आते हैं कि हम बहुत मोटे हो रहे हैं और फिर खाना खाने का मन नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं कि फैटी होने से जब जो डर लगने लगता है उसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया येलो यूरिन जनरल वीकनेस नोशिया वॉमिटिंग ग्रे स्टूल तो ये सब है हेपेटाइटिस के सिम्टम्स इसका प्रिवेंशन क्या हो जाएगा ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स तो क्लीनलीनेस का ध्यान रखना होता है और बॉइल्ड वाटर पिया जाता है जब भी हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस की कंडीशन होती है नेक्स्ट डिज है डिसेंट्री डिसेंट्री को कॉमन लैंग्वेज में हम लूज मोशन भी कहते हैं देखते हैं इसके पैथोजन क्या है बैक्टीरिया वायरस शिजेला बेसिलाई एंड टमिबा हिस्टोलाइटिका तो ये सारे इसके पैथोजन हैं जो अल्टीमेटली लीड्स टू द लूज मोशन और डिसेंट्री मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका भी है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर तो इसमें भी अगर फूड या वाटर इन्फेक्टेड है क्लीन नहीं है तो दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर द मोड ऑफ इन्फेक्शन सिमटम्स क्या क्या होते हैं डिसेंड्री के वोटरी स्टूल मतलब बिल्कुल पानी की तरह लूज मोशन होता है पेन्स इन एबडोमिन तो एबडोम मतलब जो हमारा स्टमक वाला पार्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है प्रिवेंशन इसका क्या क्या हो जाएगा ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर है ना बॉइल्ड वॉटर पीना होता है प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड तो फूड को हमको प्रॉपर स्टोरेज करना चाहिए स्टोरेज का मतलब की वो खराब न हो उसको अगर लंबे टाइम के लिए रखना है तो हमको उसको रेफ्रिजरेटर में या फिर गर्म करके रखना होता है दैट मीन्स अ प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड टू बी टेकन ओ आर एस कंजम्पन लूज मोशन के कारण वीकनेस आ जाती है तो इस कंडीशन में ओ आर एस का घोल दिया जाता है तो वही इसमें दिया हुआ है कि ओ आर एस कंजम्पशन नेक्स्ट डिसीज है कॉलेरा तो कॉलेरा किसके कारण होता है विब्रियो कॉलेरी ब्रैकेट में दिया हुआ है बैक्टीरिया दैट मीन्स विब्रियो कॉलेरी क्या है इट्स अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया मोड ऑफ इंफेक्शन कॉलेरा का क्या है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वॉटर तो कॉलेरा के सिम्टम्स क्या क्या हो जाएंगे वॉमिटिंग सीवियर डायरिया क्रैम्स इन लेग्स उसमें काफी ज्यादा वोमिटिंग आती है सीवियर डायरिया मतलब लूज मोशन बहुत ज्यादा आता है क्रैम्स इन लेग्स तो लेग्स में क्रैम्स होता है तो लेग्स में काफी ज्यादा पेन होता है इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा फॉलोविंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस मतलब हाइजीन को मेंटेन किया जाता है अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड दैट मीन जो ओपन एरिया में फूड होते हैं उनको अवॉइड करना होता है ड्रिंकिंग बॉइल वाटर वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोलेरा तो कोलेरा का भी वैक्सीन आता है वो भी लिया जाता है तो ये हो जाएंगे इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट नेक्स्ट डिसीज है टाइफॉइड तो टाइफॉइड का पैथोजन हो जाएगा सेलमोनेला टाइफी सेलमोनेला टाइफी भी क्या है एक टाइप का बैक्टीरिया है इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन सेम है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर आप देख सकते हैं कि हाइजीनिक फूड और वाटर लेना कितना इम्पोर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंफेक्शनस डिजेज आर कॉज ड्यू टू द कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर नाउ द सिम्टम ऑफ द टाइफॉइड आर एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है अफ्रेड ऑफ बींग फैट तो ऐसे फैटी होने से डर लगता है ऐसे ख्याल आते हैं हेड एक रैश ऑन एबडोमिन मतलब एबडोम में स्टमक एरिया में इंटरनली रशेज होने लगते हैं फीवर अप टू वन हंड्रेड एंड फोर डिग्री फेरानाइट तो आप देख सकते हैं वन हंड्रेड एंड फोर डिग्री फेरनाइट मतलब काफी हाई फीवर आ जाता है सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द टाइफॉइड नाउ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड ड्रिंकिंग क्लीन वॉटर वैक्सीनेशन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज इसका मतलब है ड्रिंक क्लीन वॉटर वैक्सीनेशन एंड मेंन हाइजीन इज द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द टाइफॉइड तो ये हमने देख लिया टेबल टू पॉइंट थ्री सम इन्फेक्शनस डिजेस कंप्लीट द टेबल प्रिपेयर सिमिलर टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस डिसीजेस लाइक एंटेरेटाइटिस मलेरिया प्लेग एड्स दैट मीन्स ये टेबल में आपने देखा कि काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी कि उसका पैथोजन क्या था मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या था सिम्टम्स क्या थे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या था तो वही इसमें दिया हुआ है कि आपको सेम ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है कौन कौन से डिसीजेस के लिए एंटेरेटाइटिस के लिए मलेरिया प्लेग एंड एड्स के लिए इंटरनेट माई फ्रेंड सर्च द रीजन सिम्टम्स एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ चिकन पॉक्स तो इंटरनेट का यूज करके हमको चिकन पॉक्स का रीज़न क्या है सिम्टम्स क्या है और उसके अदर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं कलेक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन ए पल्स पोलियो ड्राइव बी डब्ल्यू एच ओ तो अदर देन डिसीजेस हमको थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जानना है किसके बारे में कि पल्स पोलियो ड्राइव क्या होता है और डब्ल्यू एच ओ क्या होता है तो so ये आपका होमवर्क है ये आपको इंटरनेट में सर्च करना है इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन और आप ये इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में और देखते हैं फर्दर वेयर डू यू सी द दॉटर लॉग मटेरियल्स शोन इन द पिक्चर देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है 2.4 पॉइंट फोर डर्टीनेस इन द सराउंडिंग तो आपको फिगर में दिख रहा होगा कि बीच में मॉस्किटो है और आसपास आपको काफी ज्यादा डर्टीनेस दिख रहा होगा तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ वाटर लॉक्ड हो सकते तो ऑब्वियसली जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे मच्छर ज्यादा पैदा होंगे तो वो मलेरिया और डेंगू कॉज करेंगे सेकेंड पार्ट हमको दिया हुआ है विच हेजार्स डू यू एंटीसिपेट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर हैजार्ड्स का मतलब है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर इस तरह का डर्टीनेस हो हमारे सराउंडिंग में या वाटर लॉक्ड हो तो ऑब्वियसली अगर ऐसा डर्टीनेस सराउंडिंग में होगा दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द वेरियस डिजेस स्पेशली वहां पे मॉस्किटोज डेवलप होंगे एंड ये मॉस्किटोज और फ्लाइज जो यहाँ पे डेवलप होंगे दे आर द वैक्टर्स फॉर द वेरियस डिसीजेस वैक्टर का मतलब होगा कि ये कैरियर होंगे ये काफी सारे डिसीजे को कैरी करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सम इम्पॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ प्रेजेंट डेज तो अब हम पढ़ने वाले हैं आजकल के कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजे जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए कैन यू टेल फर्स्ट हाउ केन वी ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन पर्सनल हाइजीन को हम कैसे देख सकते हैं टू वाई शुड वी ड्रिंक बॉइल्ड वॉटर इन रेनी सीजन तो हमें बॉइल्ड वॉटर क्यों पीना चाहिए रेनी सीजन में थर्ड Why the Clean Hands Drive run in schools? तो आप देख सकते हैं कि स्कूलों में हैंड वॉश को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस होती है सो वॉट इज द रीजन फॉर ऑल दिस थिंग्स सो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा टू सेव दैम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन मतलब अगर किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से बचना है तो हमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए और अगर रेनी सीजन है तो हमें बॉयल वाटर पीना चाहिए और साथ में ही हमको फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करना चाहिए अब हम आते हैं डिसीजेज में तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डेंगू के बारे में डेंगू मॉस्क्यूटोस ले एग्स इन वाटर लॉक्ड प्लेसेस and thereby their population increases. आपको पता है कि डेंगू जो डिसीज है वो मच्छर के काटने से होता है तो मॉस्कीटोज जो होते हैं वो अपने एग कहाँ लेस करते हैं वाटर लॉक्ड प्लेसेस में मतलब जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है वहाँ पे ये अपने एग्स ले करते हैं और ये अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मॉस्कीटोज स्प्रेड डिफरेंट डिसीजेस तो मॉस्कीटो की जो अलग अलग स्पीसीज होती हैं वो अलग अलग डिसीजेज को स्प्रेड करती हैं डेंगू इज स्प्रेड बाई एडीज एजिप्टी डेंगू जो डिसीज है वो पर्टिकुलरली कौन से मॉस्किटो के कारण होती है एडीज एजिप्टी दिस डिस कोज बाई डी ई एन वन टू वायरस बिलोंगिंग टू द टाइप फ्लेवी वायरस डेंगू डिसीज एक्चुअली में वायरस के कारण होता है कौन से वायरस के कारण डी एन वन टू विच बिलोंग्स टू द टाइप फ्लेवी वायरस मतलब फ्लेवी वायरस की जो वेरायटी होती है उसको बिलोंग करते हैं डेन वन एंड टू सो ये वायरस जो है इसको स्प्रेड करते हैं एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटोस तो डेंगू के वायरस को स्प्रेड करने में मॉस्किटो की कौन सी वेराइटी इन्वॉल्व होती है एडिस एजिप्टी तो कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछता है कि डेंगू कौन से मॉस्किटो के द्वारा फैलाई जाती है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन एडिस एजिप्टी अब हम देखते हैं डेंगू के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अक्यूट फीवर एंड हेडेक एक वॉमिटिंग अक्यूट फीवर का मतलब है बहुत तेज बुखार आता है सर में दर्द होता है और वॉमिटिंग होती है सेकेंड सिम्टम है पेन्स इन आई सॉकेट इज वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम मतलब जो आई सॉकेट होता है जो आई का जो पूरा एरिया होता है उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है ऐसा लगता है कि जैसे आई सी बाहर आ जाएगी और बहुत ज्यादा ही पेन होता है प्रोमिनेंट सिम्टम का मतलब है कि ये इसका स्पेसिफिक सिम्टम है जिसमें आई सॉकेट में बहुत ज्यादा पेन होता है डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट दैट में लीड टू इंटरनल हिमोरिस डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट का मतलब होता है प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मतलब जिसका नंबर बहुत ज्यादा कम हो जाता है डिक्रीज होता है मतलब काफी ज्यादा कम हो जाता है डेंगू के टाइम में दैट मे लीड टू इंटरनल हिमोरेज हिमोरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग सो so उसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होने लगती है देखो ये फिगर में क्या दिया हुआ है अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन टू अदर्स तो ये हमको समझना होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है और उसके साथ में हमको इसको एक्सप्लेन करना है देखो यहाँ पे आपको एक टायर दिख रहा होगा और उस टायर के अंदर पानी भरा हुआ है अभी इसमें जो पानी भरा हुआ है वाटर लॉकड जो है इसके अंदर उसमें मॉस्किटोज अपने एग लेस करते हैं मतलब उसमें अपनी वो प्रजाति को बढ़ाते हैं और उनका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है देखो आप इसमें देख सकते हैं कि मॉस्किटोज के एग्स आपको दिख रहे होंगे जो अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं मॉस्किटो में तो ये क्या है मॉस्किटो का हैबिटेट है हैबिटेट का मतलब है कि ये मच्छरों की रहने की जगह है जहाँ पे वो अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं तो हमें ऐसे एरियाज को जैसे टायर है या किसी कंटेनर में अगर कहीं पे रुका हुआ पानी है तो वो हमको क्लीन रखना होगा वरना वहां मॉस्किटो के पॉपुलेशन बढ़ने लगते हैं ऑब्जर्व एंड डिस्कस ऑब्जर्व द पिक्चर शोन इन फॉलोइंग एंड राइट डिस्क्रिप्शन इन द बॉक्सेस देखो ये है फिगर टू पॉइंट फाइव डेंगू रीजन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स तो यहाँ पे हमको उसका रीजन दिया हुआ है और उसके साथ में ही उसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी दिए हुए हैं रीजन क्या है देखो बीच में आपको यहाँ पे मॉस्किटो दिख रहा है एडिज इजिप्टी तो ये मॉस्किटो है जो स्प्रेड करता है डेंगू तो ये हो गया इसका रीजन और बाकी के जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है इसके प्रिवेंटिव मेजर्स है मतलब हम इन मॉस्किटो को फैलने से कैसे रोक सकते हैं ये फर्स्ट फिगर में आपको दिख रहा होगा ये क्या है मॉस्किटो रिपेलेंट है दैट मीन्स हमको मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करने चाहिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं फ्यूमिगेशन मतलब धुआं यहाँ पे छोड़ा जा रहा है मच्छरों को भगाने के लिए दैट मीन्स रेगुलर बेसिस में फ्यूमिगेशन करना चाहिए और अगर कहीं पे फिश टैंक है हमारे घर पे या आउटसाइड तो उसको हमको क्लीन करना होता है दैट मीन्स क्लीन फिश टैंक ऑन रेगुलर बेसिस नेक्स्ट हमको ये टू फिगर्स में कुछ कंटेनर्स दिख रहे हैं और अगर वहां पे हमको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वाटर को रिमूव करके उसको क्लीन एंड ड्राई करके हमको रखना है तो ये बॉक्सेस में हम लिख सकते हैं रिमूव वाटर एंड क्लीन कंटेनर ऑन रेगुलर बेसिस नेक्स्ट आपको कूलर दिख रहा होगा कूलर यूजअली हम लोग समर सीजन में यूज करते हैं और उसमें पानी यूज करते हैं तो जब वो पानी की जरूरत नहीं है या फिर जब कूलर को यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका पानी रिमूव करके उसको ड्राई करके हमको रखना होता है सो नेक्स्ट बॉक्स में हम लिख सकते हैं रिमूव वॉटर फ्रॉम कूलर नेक्स्ट आपको एक बॉय दिख रहा होगा जिसने फुल स्लीवस के शर्ट और पैंट्स पहने हुए हैं तो so, अगर आसपास के एरिया में अगर मॉस्किटो समय ज्यादा है तो हमें फुल स्लीवस के शर्ट्स और पैंट्स पहनने होते हैं सो इन दिस बॉक्स वी कैन राइट वेयर लॉन्ग स्लीव शर्ट्स एंड लॉन्ग पैंट्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन च मेजर्स आर टेकन फॉर मॉस्किटो कंट्रोल बाय ग्राम पंचायत मुंसिपल काउंसिल मुंसिपालिटी ऑफ योर एरिया तो इसके बारे में आपको और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए कि ग्राम पंचायत स्पेशली विलेज एरिया में और सिटी एरिया में मुंसिपालिटी कैसे काम कर रही है मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए डो यू नो मलेरिया इज कॉस्ड ड्यू टू फीमेल एनाफिलिस वाइल एलिफेंटियासिस ड्यू टू फीमेल क्यूलेक्स। जैसा कि हमने देखा कि डेंगू किसके कारण होता है एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो के कारण होता है वैसे ही मलेरिया फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो के कारण होता है और एलिफेंटियासिस डिजीज है वो फीमेल क्यूलेक्स के कारण होता है दैट मीन्स ये ऑल क्या है मॉस्क्यूटो की वेराइटीज है एडिस एजिप्टी एनाफिलिस एंड क्यूलैक्स एनोफेलिस एंड एडिस ग्रो इन क्लीन वाटर वाइल क्यूलेक्स इन डर्टी सीवेज वाटर तो फीमेल एनोफेलिस एंड एडिस वो क्लीन वाटर में ग्रो होते हैं और क्यूलैक्स डर्टी सीवेज वाटर में ग्रो होते हैं तो ये हमने देखा डेंगू के बारे में कि डेंगू का रीज़न क्या है कौन से मॉस्क्यूटो के कारण होता है और उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से हैं उसके साथ ही हमने देखा कि मलेरिया कौन से मॉस्किटो के कारण होती है और एलिफेंटेसिस कौन से मॉस्किटो के कारण होती है अब हम आते हैं नेक्स्ट डिजीज में जो है स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू रीजन फॉर इन्फेक्शन अब हम देखते हैं कि स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू अकर्स थ्रू पिक्स एंड ह्यूमेन्स जैसा हमने देखा था कि डेंगू मॉस्किटो के कारण फैल रहा था वैसे ही स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन का मतलब है वो कैसे स्प्रेड होता है दैट मीन्स वन ह्यूमन बींग टू अनदर ह्यूमन बींग्स और कुछ ह्यूमन बींग्स जो पिक्स के कॉन्टेक्ट में है उनके थ्रू भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू स्वेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन

अगर इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग कर रहा है छींक रहा है तो उसमें से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं या फिर उसका जो सलाइवा है उसके कारण भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है सोर थ्रोट बॉडी पेन सोर थ्रोट का मतलब है थ्रोट में काफ़ी पेन होता है ड्राई थ्रोट हो जाता है और बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है Diagnosis of swine flu. For diagnosis of swine flu, liquid from throat of patient is sent in laboratory. Diagnostic facilities are available in National Institute of Virology, NIV, Pune, and National Institute of Communicable Diseases, NICD, Delhi. तो स्वाइन फ्लू को डायग्नोस करने के लिए सैंपल पेशेंट के थ्रोट से कलेक्ट किया जाता है जो उनके थ्रोट में जो लिक्विड होता है उसको कलेक्ट किया जाता है और लेबोरेटरी में भेजा जाता है डायग्नोस करने के लिए और इनके लैब जहां इनका डायग्नोसिस होता है वो टू लैब्स एक्चुअली ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमको दिए हुए हैं फर्स्ट पुणे में है और सेकेंड डेली में है तो पुणे में कौन सा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एन और सेकेंड इंस्टीट्यूट जहां स्वाइन फ्लू को डायग्नोज किया जाता है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजे दैट इज एन आई सी टी डेली दैट मीन्स स्वाइन फ्लू को डायग्नोज करने के लिए ये टू इंस्टीट्यूट है जहां पे इनको डायग्नोज किया जाता है डू यू नो फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू वॉज रिपोर्टेड इन मैक्सिको इन टू थाउजेंड नाइन स्वाइन फ्लू इज कॉज बाय द वायरस इनफ्लुएंजा एच वन एन वन पर्सन कॉन्टेक्ट विन कॉन्ट्रैक्ट दिसन फ्लू के बारे में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू वॉज रिपोर्टेड इन मैक्सिको इन टू थाउजेंड नाइन मतलब सबसे पहला केस स्वाइन फ्लू का मैक्सिको में मिला था टू थाउजेंड नाइन में स्वाइन फ्लू इज कॉज बाय वायरस इन्फ्लूएंजा ए तो स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है वायरस कौन सा वायरस इन्फ्लुएंजा ए जिसे हम एच वन एन वन वायरस भी कहते हैं पर्सन हु कम इन कॉन्टेक्ट पिक्स कैन कॉन्ट्रैक्ट दिस डिसीज़ जो पर्सन पिक्स के कॉन्टेक्ट में थे इजिली उनको ये डिसीज हो गई थी नेक्स्ट डिसीज़ दिया हुआ है एड्स ए आई डी एस तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम दिस डिसीज इज कॉस्ड बाई एच आई वी तो एड्स डिसीज किसके कारण होता है एच आई वी वायरस के कारण होता है एच आई वी वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है ह्यूमेन इम्यूनोडेफिशंसी वायरस इन दिस डिसीज विक्टिम सफर फ्रॉम वेरियस डिसीज ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी तो इस डिसीज में विक्टिम का मतलब है पेशेंट पेशेंट की नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है और अगर इम्यूनिटी कम हो जाती है तो और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कन्फर्म्ड विथआउट टेस्ट इन मेडिकल लेबोटरीज तो इस डिजीज का डायग्नोसिस मतलब इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है जब तक कि हम मेडिकल लेबोरटरीज में इसका टेस्ट कर नहीं लेते हैं तब तक हम पहचान नहीं पाते हैं कि दैट पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ एड्स एलि टेस्ट इज यूज फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस एड्स के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं है, वो अलग अलग पर्सन में अलग अलग होते हैं तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है दैट्स इट सिम्टम्स आर पर्सन स्पेसिफिक ऑलवेज रिमेम्बर एड्स डज नॉट अकर ड्यू टू टचिंग टू एंड शेयरिंग द फूड विथ एच आई वी इन्फेक्टेड पर्सन और बाय नर्सिंग द एच आई वी पेशेंट तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एड्स किसी को टच करने से या फिर किसी के साथ फूड शेयर करने से नहीं होता है और उसके साथ ही अगर हम किसी एच आई वी पेशेंट की नर्सिंग कर रहे हैं मतलब उसके ट्रीटमेंट में उसकी हेल्प कर रहे हैं तो उससे भी एच आई वी स्प्रेड नहीं होता है ई वी इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी नॉर्मल मतलब अगर कोई पर्सन एच आई वी इन्फेक्टेड है तो हमें उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करना चाहिए एच आई वी वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन एन अफ्रीकन स्पीसीज ऑफ मंकीस मतलब सबसे पहले एच आई वी कहाँ पे मिला था अफ्रीका में मिला था और किस में मिला था मंकीज में मिला था मंकी के स्पीसीज में ये मिला था अकॉर्डिंग टू द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड अन एड्स एटी टू एटी फाइव परसेंट एच आई वी इन्फेक्शन इन इंडिया ऑकर थ्रू अनसेफ अनसेक्शुअल कॉन्टेक्ट्स तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और अन एड्स के अकॉर्डिंग इनके डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में एट्टी टू 85 फाइव परसेंट एड्स इंफेक्शन अनसेन्टेक्ट के कारण होता है सो दिस इज ऑल अबाउट एड्स अब हम आते हैं नेक्स्ट डिसीजेस में वो है इन्फेक्शंस थ्रू एनिमल्स जैसे कि ये नाम से है, स्पेसिफाई है इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स मतलब बहुत सारे इन्फेक्शन जो होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू होते हैं विच मेजर्स आर टेकन एट योर होम टू कंट्रोल द रेड्स मतलब आपके घर में कौन कौन से मेज़र्स लिए जाते हैं रेड्स को कंट्रोल करने के लिए कि रेड्स आपके घर में ना आ पाएं सेकेंड वाई इज इट नेसेसरी टू केयर अबाउट हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक डोग्स कैट्स एंड बर्ड्स तो ये क्यों जरूरी है कि हमारे घर में जो डोमेस्टिक डॉग्स हैं कैट्स हैं या बर्ड्स हैं जो हम अपने घरों में रखते हैं हमें उनके हेल्थ का ख्याल क्यों रखना चाहिए इज़ देर एनी रिलेशन बिटवीन पिजन्स स्ट्रे एनीमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ क्या आप देखेंगे कि विंडोज में या पिजन्स जो यूजली घर में आ जाते हैं उनका स्ट्रे एनिमल्स का मतलब है एनिमल्स जो रोड में होते हैं और हमारे हेल्थ का क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है फोर्थ वॉट आर इफेक्ट्स ऑफ रैड्स कॉकरोच ऑन ह्यूमन हेल्थ क्या रैट्स का कॉकरोचेस का ह्यूमन हेल्थ पर कोई इफेक्ट होता है अब हम आते हैं नेक्स्ट डिजीज में जो है रेबीज दिस इज अ वायरल डिजीज मतलब रेबीज भी क्या है एक वायरल डिजीज है जो वायरस के कारण होता है इट अकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग रैबिट मंकी कैट एटसेट्रा तो रेबीज डिसीज़ किसके कारण होता है अगर एक इन्फेक्टेड डॉग रैबिट, मंकी या कैट अगर ये किसी ह्यूमन बींग को बाइट कर लेता है काट लेता है तो उससे ये रेबीज डिसीज़ होती है वायरस एंटर्स द ब्रेन वाया न्यूरोन्स तो अगर ये वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो ये न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में पहुंच जाते हैं हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस डिजीज तो रेबीज का सबसे बड़ा सिम्टम कौन सा है हाइड्रोफोबिया इन दिस केस विक्टिम शोज एक्सट्रीम फेयर फॉर वॉटर तो अगर किसी पर्सन को हाइड्रोफोबिया हो गया है तो वो वॉटर से बहुत ज्यादा डरने लगता है जो डरने वाली कंडीशन होती है वाटर से उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिया का मतलब होता है डर मतलब जब पर्सन पानी से डरने लगता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया की कंडीशन जो एक सिम्टम है रेबीज का रेबीज इज फर्टाइल डिजीज फर्टाइल का मतलब है कि ये बहुत डेंजरस डिजीज है हाउ एवर कैन बी प्रिवेंटेड बाई टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स फैटिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड का मतलब है कि वो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं रोक सकते हैं अगर हमने उसका टाइमली वैक्सीनेशन ले लिया जैसे ही सिम्टम्स स्टार्ट होने वाले हैं उसके पहले ही उसका ट्रीटमेंट हो गया या फिर उसका हमने वैक्सीनेशन ले लिया पहले तो हम उसको उसकी फैटालिटी को उसके डेंजर कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर विद इन नाइन्टी टू वन सेवनटी फाइव डेज ऑफ डॉग बाइट रेबीज के सिम्टम कब स्टार्ट हो जाते हैं डॉग बाइट करने के 90 टू 175 डेज के बाद इसके सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं अब हम देखते हैं कि सिम्टम्स ऑफ रेबीज क्या क्या है इसका फर्स्ट सिम्टम है फीवर फीवर फॉर टू टू ट्वेल्व वीक्स दैट मीन्स इतने लंबे टाइम तक फीवर होता है सेकेंड है एक्जरेशन इन बिहेवियर दैट मीन्स पेशेंट बहुत ही वियर्ड बहुत ही अजीब बिहेव करने लगता है हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया का मतलब फियर फ्रॉम वाटर पानी से डरने लगता है पेशेंट तो ये थे सिम्टम्स ऑफ रेबीज इंटरनेट माई फ्रेंड फर्स्ट वॉच द वीडियोज अबाउट रेबीज ऑन इंटरनेट तो हमें इंटरनेट में रेबीज से रिलेटेड वीडियोज देखने चाहिए कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स ऑन रेबीज मेक अस्ट एंड डिस्कस विथ फ्रेंड्स तो हमें रेबीज से बचने के लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए उसकी लिस्ट बनानी चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना चाहिए कैन यू टेल वाई द एनिमल केजि एंड दे आर लिविंग प्लेसेस शुड नॉट बी नियर द किचन मतलब जो एनिमल के केजेस होते हैं एनिमल के जो पिंजरे होते हैं और जो एनिमल्स के रहने की जगह होती है वो किचन से थोड़ा सा दूर रखनी चाहिए वो किचन के बिल्कुल पास नहीं होने चाहिए जैसा कि हमने अभी देखा कि एनिमल्स दे कैन कैरी सम वायरसेस दे कैन बी अ कैरियर तो हमें उनको क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए और ये एंटर ना कर जाए हमारे किचन में हमारे फूड में इसके लिए हमें एक सेफ डिस्टेंस रखना होता है सेकेंड डिपेंडिंग अपॉन विच सिम्टम्स रेबीज कैन बी आइडेंटिफाइड तो रेबीज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके सिम्टम मैंने अभी आपको बताया है तो बच्चों ये हमने पढ़ा इन्फेक्शनस डिसीजेज के बारे में इन्फेक्शनस डिसीजेस का मतलब जो इजिली वन पर्सन टू अनादर पर्सन में स्प्रेड हो सकता है अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नॉन इन्फेक्शनस डिसीजेस नॉन इन्फेक्शनस डिसीजेस का मतलब है जो वन पर्सन टू अनादर पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकता है थैंक यू अब हम जल्दी कंटिन्यू करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में